हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंट अर्थात प्रभाविता के नियम के संबंध में अध्ययन करेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंट के अनुसार जब परस्पर विपरीत लक्षणों वाले दो समयुग्मी जनकों में संकरण की क्रिया कराई जाती है तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दर्श रूप होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहा जाता है, डोमिनेंट कैरेक्टर कहा जाता है, और जो लक्षण दर्श रूप नहीं हो पाते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण अर्थात रिसेसिव कैरेक्टर कहा जाता है। और इस नियम को प्रभाविता का नियम अर्थात लॉ ऑफ डोमिनेंट कहा जाता है। आइए हम लोग इस लॉ ऑफ डोमिनेंट यानी प्रभाविता के नियम को एक उदाहरण के माध्यम से समझें। एक ऐसा पौधा है जो होमोजाइगस रेड है यानी समयुग्मी लाल पुष्प लगते हैं इस पौधे में। एक दूसरा पौधा है जिसमें समयुग्मी सफ़ेद पुष्प लगते हैं, होमोजाइगस व्हाइट फ्लावर लगते हैं। और आप जानते हैं कि जब लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है तो निषेचन के पहले गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है और गैमेट फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है, और गैमेट फॉर्मेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। यानी गैमेटोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मातृकोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या की आधी हो जाती है, जिसमें गैमेट्स में गुणसूत्रों की संख्या मातृकोशिका में गुणसूत्रों की संख्या की आधी हो जाती है। अर्थात लैंगिक जनन के पहले इसमें गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। चूंकि समयुग्मी इसे इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें युग्मक जनन की प्रक्रिया में समान तरह के युग्मक बन रहे हैं, इसलिए इसमें लाल कलर के लिए यह युग्मक जिम्मेदार हैं, इसलिए इसको होमोजाइगस रेड प्लांट कहा गया। और यह जो युग्मक है यह दोनों ही व्हाइट कलर के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए इस पेरेंट को होमोजाइगस व्हाइट पेरेंट कहा गया। और जब इन दोनों में संकरण की क्रिया कराई जाती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, जिसे हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में फर्स्ट फाइलियल जनरेशन में जो पौधा जो बीज प्राप्त होता है उसको बोने से उस पौधे में लाल कलर के फूल लगते हैं, लेकिन उसमें व्हाइट के भी जीन्स हैं, लेकिन जो फ्लावर लग रहा है वह प्योर रेड नहीं है क्योंकि इसमें व्हाइट के जीन्स भी हैं, अर्थात इसे हेटरोजाइगस रेड कहा जाएगा। और यह जो फर्स्ट फाइलियल जनरेशन प्राप्त हुई, इस यह जो प्लांट प्राप्त हुआ फर्स्ट फाइलियल जनरेशन में उसको हाइब्रिड प्लांट कहा जाता है, लेकिन यह जो इसमें फ्लावर का कलर आएगा उसका दर्श रूप रेड आएगा। क्यों? क्योंकि लाल रंग सफ़ेद रंग पर प्रभावी है। अर्थात इस उदाहरण के माध्यम से मेंडल के प्रभाविता के नियम की पुष्टि होती है, लॉ ऑफ डोमिनेंट की पुष्टि होती है। इसी प्रकार से आप दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं। एक ऐसा उदाहरण आप लीजिए, एक ऐसा पौधा है जो शुद्ध लंबा है, होमोजाइगस टाल पेरेंट है, और एक ऐसा पौधा है जो होमोजाइगस ड्वार्फ है, शुद्ध बौना पौधा है। ठीक ऐसे ही जैसे इसमें युग्मक जनन की प्रक्रिया हो रही थी, इसमें भी लैंगिक जनन के पहले युग्मक जनन की प्रक्रिया होगी, जिसमें दोनों में आप देख रहे हैं कि समान तरह के युग्मक पैदा होंगे। यह टाल के लिए जिम्मेदार हैं और यह जो युग्मक बने हैं जो ड्वार्फ प्लांट में, यह ड्वार्फनेस के लिए जिम्मेदार हैं। और जब इनमें संकरण की क्रिया कराई जाएगी तो जो फर्स्ट फाइलियल जनरेशन है, फर्स्ट फाइलियल जनरेशन में हाइब्रिड नस्ल के पौधे प्राप्त होंगे, हाइब्रिड टाल पौधे प्राप्त होंगे। देखने में तो वह लंबे लगेंगे यानी उसका दर्श रूप तो लाल आएगा, लेकिन उसमें ड्वार्फनेस के भी जीन्स मौजूद हैं, लेकिन टालनेस ड्वार्फनेस पर डोमिनेंट है, अर्थात मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंट की पुष्टि होती है। इस उदाहरण के माध्यम से मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंट की पुष्टि होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स अर्थात पृथक्करण का नियम अथवा युग्मकों की शुद्धता का नियम का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।